घाई से तो आईपीएल का सीजन चल रहा है, लेकिन कभी आपने सोचा जो कि पाकिस्तान प्लेयर्स आईपीएल में क्यों नहीं खेल रहे हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। 2008 में तो जो कि आईपीएल शुरू हुआ था, 2008 में पाकिस्तान ने खेला था, जहाँ के 2008 में पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल में खेले थे, लेकिन 2009 से नहीं खेल रहे हैं, जो कि सबको इंतजार था कि जो कि पाकिस्तान के प्लेयर्स किस किस टीम में सेलेक्ट होंगे। लेकिन 2008 में जो कि 26 नवंबर को जो कि एक मुंबई में जो कि टेररिस्ट अटैक हुआ था, जहाँ के मुंबई में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, वो अटैक के बाद पाकिस्तान प्लेयर्स को लेना छोड़ दिए। यहाँ गाइस ये अपने पॉलिटिक्स जो कि इंडिया के पॉलिटिक्स ने जो कि बीसीसीआई को एक वार्निंग दे दिया था जो कि पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं खेले इस आईपीएल में, अगर खेलेंगे तो हम आईपीएल को ही बंद कर देंगे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहाँ भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, क्योंकि जब से ही पाकिस्तान प्लेयर्स को इस आईपीएल में नहीं ले रहे हैं, तो यही एक मेन रीज़न है जो कि इसका अटैक को बोलते हैं 26/11, जी हाँ 26/11 इस अटैक का नाम है, इसलिए जो कि पाकिस्तान नहीं खेल रहा, यही मेन रीज़न है। देखते हैं जो कि पाकिस्तान प्लेयर्स कब तक नहीं खेलेंगे इस आईपीएल में। अगर पाकिस्तान प्लेयर्स खेलेंगे इस आईपीएल में, जो कि इंडिया पाकिस्तान जब मिलके खेलते हैं, जब देखेंगे कितना मज़ा आता है, जब हमारा ये पॉलिटिशियन चेंज होगा, जब हमारा ये पॉलिटिकल लीडर जो कि एजुकेटेड होंगे, तो तभी खेल पाएंगे पाकिस्तान के प्लेयर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? गाइस मैं और एक बात मैं आपको बता दूं, क्रिकेट प्लेयर्स के टी शर्ट के पीछे एक नंबर होता है, वो नंबर कहाँ से आता है और वो नंबर जो कि सीरियल वाइज देते हैं या उनके पसंद से होता है, किस लिए होता है? जी हाँ गाइस, वो नंबर उनका पसंदीदा होता है। जी हाँ गाइस, जैसा धोनी का जो कि 7 है और कई सारे लोगों का 37 है, 46 है, अपना रोहित शर्मा का 45 या 46 है, जो कि उनके पसंद से होता है। जी हाँ गाइस, उनके बचपन से पसंद होती है, ऐसा नहीं कि जब वो आईपीएल में जो कि क्रिकेट में सेलेक्ट हुए तो उनको एक सीरियल नंबर देता जाता है, ऐसा नहीं है गाइस, जो कि अपना एक फेवरेट नंबर लगा लेते हैं उस टी शर्ट के पीछे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ एक मजेदार फैक्ट्स लेकर, तो मिलते हैं आपकी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।